बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी महक सुहेल। और क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद जो है मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, और किसी रीज़न की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। और जो है चलें देखते हैं, आज मैंने जो बेस यूज़ की है ये MZ की बेस है, और स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप। मैंने फेस को वॉश करके मॉइस्चराइज कर लिया था, क्योंकि अब जो वेदर है बहुत ड्राई वेदर है, तो हमें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखना चाहिए। और जो है सबसे पहले मैंने MZ का सीरम यूज़ किया है, वाइटनिंग सीरम, जो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट के साथ हमें मिला है। और ये मेरी MZ की ही मुझे MZ ब्रांड की तरफ से मिली है बेस, और ये क्रीमी बेस है। ये मेरे स्किन टोन से थोड़ा लाइट शेड है, और लेकिन ये ब्राइट के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट है। तो जो मैं बेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये MZ ब्रांड की मिनरल बेस और क्रीमी बेस है, जिसके साथ जो है आपको लॉन्ग लास्टिंग अच्छे से स्टे करने वाली बेस मिल रही है, और बहुत ही अफोर्डेबल है। दूसरी बात के इसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, और बहुत इजीली ये अप्लाई हो जाती है बेस। और सबसे अच्छी बात इसकी कि ये स्किन पे क्रैक बिल्कुल भी नहीं आते हैं, और दूसरा हम बहुत लाइट वेट में है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि हमने इतनी हैवी बेस अप्लाई की है। बहुत ही आराम से जो है ये क्रीमी बेस और मिनरल बेस अप्लाई हो जाती है। तो आप लोग जो है मैं रिकमेंड करती हूँ, एज अ ब्राइडल बेस आप ये यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छी है, बहुत परफेक्ट बेस है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, आप लोगों का टाइम बचेगा। मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि MZ ब्रांड की क्रीमी और मिनरल बेस जो है यूज़ करें। रियली सॉरी, प्लीज़ बैकग्राउंड पे जो पेट्स की आवाज़ें हैं वो इग्नोर कीजिएगा। तो आई मेकअप क्रिएट करें, आई मेकअप को जो है मैंने कंसील किया था उसी MZ की क्रीमी बेस से, और मैं बहुत लाइट सा शेड लेके क्रीज लाइन बना रही हूँ, और उसको अच्छे से ब्लेंड किया है। और अब जो है मैं मैट गोल्डन जो है अपने आईबॉल पे अप्लाई कर रही हूँ, देखते हैं क्या मेकअप होता है, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। मैट गोल्डन जो है मैं कलर अप्लाई कर रही हूँ, और हमने ब्रश को जो है थोड़ा सा वेट किया हुआ है, और क्योंकि उससे जो है कलर अच्छे से अप्लाई हो जाता है। और इस तरीके से आपको भी अप्लाई करना है अगर आप गोल्डन मेकअप कर रहे हो। अच्छा, ये जो मेकअप है ये एज अ पार्टी मेकअप भी हम कर सकते हैं, और दूसरा जिनकी इंगेजमेंट होती हैं जो बहुत लाइट मेकअप चाहती हैं वो भी, उसमें भी हम ये मेकअप अचीव कर सकते हैं। और सिल्वर शेड लगा रही हूँ हाइलाइटर एरियाज़ पर, जहाँ हमें हाइलाइटिंग करनी होती है, तो इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ सिल्वर वाइट शेड। अच्छे से ब्लेंडिंग होनी चाहिए, ब्लेंडिंग जितनी खूबसूरत होगी आई मेकअप उतना ही अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हो मैंने सिंपल मेकअप रखा हुआ है, ज़्यादा जो है गड़बड़ नहीं की है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, और दूसरा काफ़ी इजी मेकअप है। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को आ जाएगा। और हाइलाइटर जो है थोड़ा डार्क कर रही हूँ, क्योंकि हमने गोल्डन और जो है ग्लिटर का काम करना है, तो हमारा हाइलाइटर भी थोड़ा डार्क ही होना चाहिए। यहाँ पे हमारा आई मेकअप 50% कंप्लीट हो गया है, और उसको नीट कर रही हूँ फिर से आई मेकअप को। उसके बाद जो है मेरे पास दो कलर की ग्लिटर थी, एक मैट गोल्डन और एक थोड़ा हैवी गोल्डन था। ये जो गोल्डन है ये मैट गोल्डन में था, बहुत ही प्यारा गोल्ड है, बिल्कुल इसमें परफेक्ट रिज़ल्ट नहीं आए हाइलाइटर के, और
सॉरी ग्लिटर के, ग्लिटर जो है मैंने गैलेक्सी टच का अप्लाई किया है, जो विदाउट सीरम बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है और लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त। कोई आई मेकअप में ख़राबी नहीं आती है, कोई पैचेस नहीं आते, बहुत खूबसूरत लुक आता है। बहुत अच्छे ग्लिटर्स हैं, बहुत ज़बरदस्त शिमर है। गैलेक्सी टच के शिमर हो गए, हाइलाइटर हो गए, इनका रिज़ल्ट मुझे बहुत पसंद आया। तो आप लोगों को जो है एक बार लिख के यूज़ करना चाहिए। इनर कॉर्नर बनाने में अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो इस तरीके से भी बना सकते हैं आप, जो है लाइनर ब्रश से एक सी कॉर्नर बनाएं और उसको जो है लाइट बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरीके से ब्राउन या मेहरून शेड से ब्लेंड करें। तो आप देख सकते हो मैं, मेरी ब्लेंडिंग हो चुकी है मेरे आई मेकअप की, और जो है वाटर एरिया पे काम कर रही हूँ। पिंक कलर का मैंने यहाँ पे आई शेड लगाया है। ब्लेंडिंग अच्छे से करेंगे आप। अभी मैंने बेस नहीं लगाई है और अभी मेरा सिर्फ क्रीमी बेस फर्स्ट लगी। इस पर मैंने कोई क्रायलॉन की स्टिक या कोई क्रिस्टाइन की ओरिएंटल वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं की है। ये जस्ट एक MZ की क्रीमी बेस है जिसका नंबर है M11 नेचुरल शेड, और बहुत ही आला रिज़ल्ट हैं इसके। मस्कारा यूज़ कर रही हूँ बॉब का, और यह आपको बहुत आसानी से किसी भी कॉस्मेटिक की शॉप पे मिल जाएगा। लैशेस ग्लू मैंने पहले से ही लगा के रखी थी। इसको लगाने की, ग्लू को अप्लाई करने के बाद जो है हमें लैशेस को 2 से 3 सेकंड के लिए ड्राई होने छोड़ देना चाहिए ताकि हमारी लैशेस जो है अच्छे से अप्लाई हो जाए और जो है प्रॉब्लम नहीं करे। अगर हम ट्यूब लगाते ही जो है लैशेस अपनी आँखों पर लगाते तो वो कभी भी स्टे नहीं करेगी, क्योंकि हमारी ग्लू जो है बिल्कुल गीली हो रही होती है तो स्टे नहीं करती है। वाइट पेंसिल यूज़ कर रही हूँ किस ब्यूटी की, और ये MZ की मिनरल बेस है। आई एम सॉरी, मैंने जब ये खोला था तो काफ़ी वेस्ट हुआ था ये, तो मैं समझती हूँ पैकिंग पे थोड़ा सा और तवज्जो इनकी होनी चाहिए। बाकी बेस तो बहुत ही सुपर डुपर है। तो यहाँ मैंने बेस अप्लाई कर ली थी और स्पंज से इसको टैप टैप करके मैंने सेट कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत बेस बनी थी, बहुत ही ब्राइडल बेस है और काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आ रहा था मेरे फेस पे। और मैंने लगाने के बाद जो है इसको काफ़ी देर तक लगाए रखा था, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि और कितना टाइम ले सकती है। लेकिन जो इस टाइम वेदर है उसके हिसाब से ये बेस परफेक्ट है, और गर्मियों के लिहाज से भी ये बेस बहुत ही आला रिज़ल्ट के साथ हमें मिली है। तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप MZ की जो मिनरल बेस है उसको एक बार ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। इंशाल्लाह आप मेरी तरह इस बेस के फ़ैन हो जाएंगे। ये मेरी एक दोस्त हैं जिनकी रिक्वेस्ट है कि मुझे कंटोरिंग करना बताएं, जो कि कश्मीर में रहती हैं और बहुत ही प्यारी हैं। तो उनके लिए ये मैंने कंप्लीट जो है कंप्लीट मैं कर रही हूँ अपने फेस को कंटोर, और इस तरीके से हमें कंटोरिंग करनी है। फॉरहेड पे भी आज मैंने की है, देख सकते हैं आप। और हम किसी भी छोटे ब्रश से अप्लाई करने के बाद उसको ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि हार्श लाइन नज़र ना आए और बस ये पता चले कि हमारे स्किन पे कंटोरिंग हुई है, लेकिन ज़्यादा हैवी ना लगे। मैं अपने फेस को थोड़ा और पतला और मज़ीद जो है लंबा दिखाना चाहती हूँ, और मैं ये समझाना चाहती हूँ जो चाहते हैं हमारा फेस जो है चिन एरिया से और मज़ीद छोटा और पतला लगे, तो इस तरह से कंटोरिंग करेंगे और अच्छे से ब्लेंड कर देंगे।
ओके देन मैं जो है ब्राउन्ज़र यूज़ कर रही हूँ क्रिस्टाइन कंपनी का ही, और मुझे एप्पल शेप में जो है ब्लश लगाना पसंद है तो मैं उसी तरह से एप्पल शेप में लगा रही हूँ। और काजल जो है मैं एक्वा का यूज़ कर रही हूँ, ब्लैक एक्वा, और बहुत आराम से मैं इस काजल को, हम उर्दू में क्या कहते हैं, अलिफ मद्दा जो होती है इस टाइप से ये काजल होता है, इसको कोई भी नाम दे दें। बाकी काशी थोड़ा काशी के लुक पे ये किया है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ये तरीका है, और मैंने आज जेल लाइनर यूज़ नहीं किया है, मैंने एक्वा का वाटरप्रूफ लाइनर यूज़ किया है। और इस तरीके से आप जो है अपने आई को फुल ओपन करेंगे और ब्रश को जो है कॉर्नर से लास्ट लाइन तक लेके जाएंगे और एक छोटी सी क्रीज लाइन बना देंगे ताकि आपको एक गाइडलाइन मिल जाए कि मुझे लाइनर इतने तक में ही बनाना है। मैंने ज़्यादा हैवी लाइनर नहीं रखा है, तो आगे चलते हैं। फिर लिपस्टिक मैंने बहुत लाइट पर्पल पिंक टाइप की अप्लाई की है अपने फेस पे, मुझे अच्छी लग रही थी लेकिन फिर भी जो है शायद बहुत ज़्यादा लाइट हो रही थी, तो फिर मैंने लिपस्टिक को चेंज किया। हाइलाइटर जो है मैं यूज़ कर रही हूँ गैलेक्सी टच का ही हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, इसका शेड है गोल्डन और ये बिल्कुल ही गोल्ड कलर का है, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही हसीन इसका लुक आ रहा था हाइलाइटिंग करने के बाद फेस पे, शायद वो कैमरे पे प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला है, लेकिन बिलीव मी गैलेक्सी के जितने भी हाइलाइटर शेड हैं बहुत ही ऑसम हैं और अफोर्डेबल भी हैं, ये ज़्यादातर आपको 600 to 700 में आराम से मिल जाएगा और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है, तो मैं रिकमेंड करती हूँ आप ज़रूर ज़रूर एक बार अप्लाई करके देखिएगा अपने फेस पे या अपनी ब्राइड पे, तो बहुत ही हसीन लुक आ जाता है। मैंने यहाँ लिपस्टिक चेंज करी है और उसी लिपस्टिक को मैंने थोड़ा डार्क किया है, मेडोरा की 216 नंबर मैंने उस पर अप्लाई किया है। ये देख सकते हैं मेरा कंप्लीट फाइनल लुक, तो आई होप कि आप लोगों को मेकअप अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।